तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलाइट धीरू, और आप सबको मेरा जय श्री राम। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट मिसिंग फ्रॉड के बारे में। और गाइस, आपको शायद यहां पर अभी थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी होगी, नहीं तो गाइस आपके घर पर कभी भी पुलिस भी आ सकती है। पर गाइस, मैंने अभी इस वीडियो के पहले भी फ्लिपकार्ट के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, और मैंने उसके बारे में मतलब फ्लिपकार्ट मिसिंग के बारे में, रिफंड के बारे में सब कुछ बताया है। लेकिन गाइस, ये वीडियो मतलब कि मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि एक आज न्यू केस आया है गाइस मेरे पास। मतलब मेरे एक दोस्त रहता है गाइस इंदौर में, वहाँ पर मुझे एक मतलब की सूचना आई है कि वहाँ पर गाइस कुछ जाँच पड़ताल हुई है उनके घर में, कि मतलब गाइस उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसिंग किया था, बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया था। तो गाइस उनके घर में यहाँ पर अभी जांच पड़ताल हो चुकी है, लेकिन मतलब हुआ कुछ भी नहीं है गाइस। उनको पुलिस ने अरेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन एक जांच पड़ताल हुई है गाइस, क्योंकि उन्होंने एक ही अकाउंट में लगभग लगभग गाइस 50 से 60 हज़ार का मतलब के मिसिंग फ्रॉड कर दिया था फ्लिपकार्ट ऐप में ही ओनली। तो यार गाइस, यदि आप लोग भी करते हैं यही काम, मतलब कि आप लोग भी करते हैं थोड़ी बहुत मिसिंग वगैरह प्रोडक्ट मिसिंग फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन में, गाइस मिंत्रा वगैरह में, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इस चीज़ मतलब इस चीज़ से बच सकते हैं, कि आप लोग कैसे पुलिस केस गाइस छोटे मोटे केस से भी आप लोग कैसे बच सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर पूरा देखना। अब गाइस मान लो कि आपने फ्लिपकार्ट ऐप से कोई भी एक रिफ़ंड किया, मतलब कि मिसिंग करके आपने अपना पैसा रिफ़ंड लिया, भले ही आपका वो सामान आपको मिल गया है, लेकिन गाइस उनकी जो नियम है, रूल्स हैं, पॉलिसी है उनकी, वो लोग आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में 24 आवर्स के अंदर डाल देते हैं। लेकिन गाइस मान लो कि आपने एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, सेम टू सेम वही अकाउंट में, तो गाइस ऐसे में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों आप मतलब के करते हैं यार, दोस्तों बहुत से लोग होशियार मतलब बनते हैं अपने आप में, कि वो लोग अलग अलग अकाउंट से बनाते हैं अपना अकाउंट फ्लिपकार्ट में, अलग अलग नंबर से अपना अकाउंट बनाते हैं, और गाइस वो लोग फिर वहाँ पर रिफंड करते हैं बार बार। और वो लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या करते हैं कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट में अपना सारा का सारा जो रिफंड है वो लेते हैं। तो गाइस यार ये सब बंद कर दो, मतलब आपने एक बार कर दिया चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन गाइस आपको बार बार यहाँ पर बिल्कुल भी एक ही बैंक अकाउंट में नहीं करना है। मैं तो ये बोल रहा हूँ गाइस, आपको बिल्कुल भी ये रिफंड करना ही नहीं है यार भैया। यदि आपको सामान मिल रहा है तो आप क्यों फालतू मिसिंग कर दो, बताओ यार। गाइस ऐसा होता ही नहीं है, 99.9% सामान उसमें आता है गाइस, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि ये सामान नहीं आया है, इसको आप रिफ़ंड करो, हमारा पैसा जो है वो रिफ़ंड करो। तो गाइस ये गलत है। और यदि आप करते हैं बार बार यही काम अपने सेम टू सेम एक ही बैंक अकाउंट में, तो गाइस ऐसे में आपके घर में वो जो होता है ना सेलर, जो आपको सामान देते हैं गाइस, फ्लिपकार्ट अलग चीज़ है, जो सेलर है वो आपके जो आपके पास जो सामान भेजता है वही आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में डलवाता है। तो गाइस ऐसे में यदि आप करते हैं बार बार एक ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र, तो गाइस वो सेलर आपके आपके ऊपर एक केस भी दायर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में वो पुलिस केस कर सकता है, और आपके घर में वो उस सामान की जांच पड़ताल भी कर सकता है। गाइस मान लो कि आपने कोई एक छोटा सा मान लो कि ट्राईपोड ऑर्डर किया, ठीक है गाइस, ट्राईपोड आपने ऑर्डर किया, वो जांच पड़ताल के बाद यदि वो आपके घर में वो मिल गया, तो गाइस ऐसे में आपको शायद जेल भी हो सकती है। आपने मान लो वो सामान मंगाया और मिसिंग कर दिया, बोला कि हमारा मिसिंग हो गया है, तो गाइस ऐसे में वो लोग आपके पैसे आपके अकाउंट में दे देंगे। यदि उन्होंने जांच पड़ताल आपके घर में करवाई, जांच यदि आपके घर में वो सामान मिल गया, तो गाइस ऐसे में आपके साथ कोई भी बड़ा केस भी वो लोग दायर मतलब बेईमानी वाला केस गाइस, फ्रॉड वाला केस आपके ऊपर वो लोग दायर भी कर सकते हैं। गाइस ऐसे में आपके लाखों रुपये भी खर्च हो सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ मतलब कि यार एक बार चल जाएगा, दो बार भी चल जाएगा, लेकिन गाइस बार बार ये कभी भी नहीं चलेगा। तो आपको ऐसे में फ्लिपकार्ट में अब कम से कम ही करना है ये मिसिंग रिफंड वाला सिस्टम गाइस, क्योंकि यार ये गलत चीज़ है ना यार, आप एक बार कर लो यार, लेकिन ये थोड़ी कि बार बार करो, ये गलत बात है गाइस, क्योंकि आपका जो सामान है वो आपके पास आता भी है और आने के बाद भी आप उसको करते हैं यार मिसिंग, ये तो गलत बात है भाई लोग। तो बस गाइस मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ से बचो ताकि आपके घर तक पुलिस ना पाए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, होप करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।